ए हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आप सबके लिए फिर से मैं एक सीएमए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ है यशवनी सिंह, और यशवनी बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करती है, नवाबों के शहर से बिलोंग करती है। और आज हम यशवनी की स्टोरी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। और इनका सिलेक्शन सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में कल्पतरु पावर में हुआ है, मुंबई कैंपस में। तो सुनते हैं यशवनी की स्टोरी। हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप? So I'm fine. How are you? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। और कैसा फील हो रहा है अभी? आप ऑलरेडी कंपनी ज्वाइन कर चुके हो, आपकी इंटर्नशिप वहाँ पे चल रही है, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा है. मतलब अभी तो हम लोग अपना डिवीजन आई एम पोस्टेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल. तो वहां के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चली हैं. मोर ओवर अभी हम लोग अभी भी इंटर्न अपने ट्रेनिंग प्रोसीजर पे ही हैं, तो अभी धीमे धीमे और कुछ पता चल रहा है. बहुत सारी चीजें हमें कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है, तो बस इतना ही है. ग्रेट। अच्छा, आई थिंक आप जब कैंपस की तैयारी कर रहे थे तो आपका बीच में आपकी तबीयत भी खराब हुई थी, राइट? यस सर. और फिर क्योंकि आपका मैं हूँ और मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, तो ऑफ कोर्स बहुत चेंज है ऑफ एटमॉस्फेयर. तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. उसमें भी मैं गई वहां पे, क्योंकि बॉम्बे बहुत गर्म है इन कंपैरिजन टू लखनऊ. उस समय राइट तो था अप्रैल में, तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट के पूरे ड्राइव में ही खराबी रही है. या राइट ओके। अच्छा, जब आपको कैंपस में आपको ऑफर मिला था, लाइक हाउ वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? कैसा लग रहा था आपको? तो कैंपस में बहुत ऐसा मिक्स फीलिंग हो रहा था. पता नहीं उस समय ये तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था कि हो गया है. फिर एक था कि अच्छा ठीक है, हो गया है, अभी उसको थोड़ा सा सिंक्रनाइज कर ले एक बार के लिए कि हाँ अब हो गया, अब हम सेटल्ड है ऑलरेडी. क्योंकि जब भी मेरा कल्पतरु में हुआ था, मेरा नाफेड में भी उसी समय पैरेलली मेरा जीडी भी चल रहा था. मेरा वहां पे रिटर्न क्लियर हो गया, सेम टाइम मेरिको में भी मेरा जीडी क्लियर हो गया. तो मेरे लिए था कि मैं सब जगह भाग रही हूँ सिर्फ अपना इंटरव्यू अपीयर करने के लिए. बट एट द एंड मेरा कल्पतरु में हो गया था, तो फिर वो समय बहुत अच्छा फीलिंग था, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं. तो राइट। घर वालों की फीलिंग कैसी थी आपके लिए? घर वालों की भी, वो लोग भी बहुत हैप्पी थे ऑफ कोर्स. उनके लिए तो बहुत ही था कि मैं सेटल हो गई एक तरीके से. उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है. सो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू. अगर मुझे याद है जब आपने मेरा मॉक सेशन लिया था, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क. ऑफ कोर्स दैट वाज बिकॉज मेरी हेल्थ नहीं अच्छी थी. बट उस मॉक सेशन से मुझे इतना कुछ पता चला कि आई वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, बिकॉज मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि मुझे बहुत आता है. उस समय मुझे रियलिटी चेक मिला कि हाँ मुझे नहीं आता है, अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि मुझे नहीं आ रहे बेसिक्स, क्यों नहीं आ रहे मुझे? मुझे रेवेन्यू रिकॉग्निशन पता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, बट मुझे उस समय क्यों नहीं आता है जब सर ने पूछा. सो उसके बाद मैंने बहुत कुछ पढ़ा, एनहैंस किया. और उस 15 डेज, आपके मेरा मॉक लेने के बाद भी मेरे पास 15 डेज थे, उसमें मैंने बहुत एनहैंसमेंट किया आपके जैसा भी आपने रिव्यू दिया था उस हिसाब से. सो इसलिए इसलिए मैंने सारे मॉक इंटरव्यूज पहले शेड्यूल किए थे सारे स्टूडेंट्स के, बिकॉज मुझे पता है कि हर किसी के पास एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। अगर मैं लास्ट टाइम में आपका मॉक इंटरव्यू लेता जब शॉर्ट लिस्टिंग आती, तो आप कुछ कर ही नहीं पाते। यस सर, अग्रीड. एंड इवन मुझे तो याद है नाफेड में जो आपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला टॉपिक हमें कराया हुआ था, सेम मेरे में वही आया था. तो मुझे तो कुछ भी नहीं, मैंने कहा रही है तो वही है जो मैंने किया हुआ है. एंड इवन मैरिको लिमिटेड में भी जो हमें जीडी का टॉपिक मिला था वो स्टार्टअप्स का था. एंड जो भी आपने बताया उस समय, जो भी हम डिस्कस करते थे, वो इतना हेल्पफुल था कि हाँ मेरे पास वो जो 2 मिनट मिलते हैं ना जॉट डाउन करने के लिए पॉइंट्स, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है. वो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन गया, एंड दैट्स व्हाई मैंने सब जगह का जीडी क्लियर कर लिया था. मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही था जीडी करवाने का, बिकॉज आप इतना फैमिलर हो जाओ कि आपको इंटरव्यू में कोई टेंशन ही ना हो। सो टोटली वर्थ इट रहा आपके लिए मेरी मेंटरशिप, राइट? ओके। अच्छा, मेरे बुक्स नोट्स कैसे लगे आपको? नोट्स का मैंने पूरा इंडेस का बुक आफ्टर मॉक सेशन मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज को पढ़ा था. इवन कॉस्टिंग भी आपने मुझसे कहा था कि कुछ चीजों में मुझे इम्प्रोवाइज करना है, तो कॉस्टिंग का बुक मैंने फिर से पूरा आपकी बुक से भी पढ़ा. आई रेफर्ड सीएमए का भी मॉड्यूल फिर से कि मैं कहीं गलत नहीं कर दूं ओवर एक्साइटमेंट में. तो वो बुक्स बहुत था. इवन मैंने सैप की भी बुक आपकी एक बार टच की कि हाँ क्या क्या पॉइंट्स है जो मैं इम्प्रूव कर लूँ अगर पूछ लिया गया तो. सो वो बुक्स बहुत हेल्पफुल थे, एंड दे आर क्यूरेटेड इन सच अ वे कि आपके पास जिस्ट है, आप बस खाली वो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लो तो हो जाएगा आपका. पूरा बुक नहीं आपको रिवाइज करना है. राइट राइट थैंक्स। तो मतलब मेरा सारा रिसर्च पेपर बहुत अच्छा है,
और स्टूडेंट्स को काफी यस अच्छा हेल्प कर रहे हैं। यस अच्छा, लाइक आपने सीएमए आप बने, आपके कैंपस में जॉब हो गई, बट एक मोमेंट और भी होता है लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप सीएमए बनते हो, जब वो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड आपको दिखता है आपके रिजल्ट में, तो लाइक वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? तो एक्चुअली मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे मैं सेट ऑफ में पास हूँ, तो आई हैव गॉट 184 मार्क्स इन ग्रुप वन, और फिर मेरा इधर से सेट ऑफ हुआ ग्रुप टू से, मतलब ग्रुप फोर से ऑफ कोर्स. तो सेट ऑफ हुआ तो मतलब पहले तो मैंने देखा, मुझे 184 दिखा तो मैंने कहा मैं फेल हूँ. फिर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ रहा था तो मुझे लगा क्यों लिख के आ रहा. फिर मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने कहा अच्छा 400 टच कर गया है. एंड वो जिस मॉर्निंग आया था, मैं 7 o'clock घर से निकल गई. मैं वहां से निकलने के बाद मैं मंदिर चली गई. मैंने कहा कुछ भी होगा तो देखते हैं, वहीं जाके देखेंगे एग्जाम का रिजल्ट. और मैंने लिटरली वहीं मंदिर में बैठ के रिजल्ट देखा अपना. फिर जब हो गया तो मैंने घर पे फोन किया कि हाँ मेरा हो गया है. ओह माय सो वो गॉड, तो मैं याद रखूंगी. एक्चुअली अभी जस्ट मैंने लीजा की स्टोरी भी रिकॉर्ड की, वो भी मंदिर में जाके अपने रिजल्ट देखी। तो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक टेम्पल्स पे जाके अपने रिजल्ट देखते हैं। लाइक मैं, मेरे केस में था ना, मैं अपने रिजल्ट खुद से नहीं देखता था, मैं चाहता था कोई और देख के मुझे बताए। मुझे भी लग रहा था कि नहीं हुआ तो क्या, कैसे देखूंगी. फिर शायद उतनी पावर आ जाती है कि आप देख लेते हो. वहां मंदिर में शायद आपको भगवान थोड़ा पावर देते हैं कि हाँ पलट के देख लो दोबारा. और मैंने अरे तो एक आंटी बगल में बैठी थी, मैंने उनसे बोला कि आप प्लीज देख लोगे कि उसपे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है कि नहीं. तो उन्होंने कहा बेटा लिखा हुआ है. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पास हो गई हूँ. फिर ओह माय गॉड, ग्रेट ग्रेट। आपके पेरेंट्स के एक्सप्रेशन कैसी थी उस समय जब हमने उन्हें पता चला कि आप बन चुकी हो अब सीएमए? असवार मेरे मदर प्रोफेसर हैं और मेरे फादर बिजनेसमैन हैं. तो फादर को उतना नहीं है, मदर का रहता था कि हाँ क्या कर रही हो. उनको एक्चुअली नहीं पता था कि कॉस्ट अकाउंटेंट होता क्या है. वो लोग बहुत एक्वेंटेड है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए. सो उनका था कि हाँ ये क्या फील्ड है, हमें भी बता दो. और जब पास हुए ना तो उन्हें लग रहा था कि हाँ कुछ हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है. अभी तो हो गया उसका, क्लियर हो गया. सब जगह बताना उनका था कि हाँ बता दे कि हो गया हो गया है. राइट तो राइट इसलिए वो भी एक अच्छा पॉइंट था. ओके। अच्छा, आपका इंटर फाइनल दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर अटेम्प्ट्स लगे थे आपकी जर्नी में? फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विद लाइक बोथ ग्रुप्स ही मेरा दोनों ही गया है. ओके, दोनों ही आपने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और अच्छे नंबर्स आपके आ गए। लाइक इस बार तो शायद इस बार पासिंग टेस्ट था ना फाइनल का? हाँ उसका 400 एग्जाम लाइक इंटर आई रिमेम्बर 464 है, बट फाइनल्स में था. नहीं, बट 400 भी लाना बहुत बड़ी बात होती है। इवन जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेरे 422 आए थे, लेकिन मेरा एसएफए में 33 आया था। तो मेरा भी ऐसे ही था, आपका जैसे 182 आया ना, मेरा 18 सॉरी आपका 184 था, मेरा 182 आया था ग्रुप थर्ड में, बट वो एसएफए में 33 था, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था। सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे ग्रुप थ्री फिर से देना पड़ा। तो अच्छी बात है, लाइक पास करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी नंबर्स ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। आफ्टर डेट लाइक आपकी लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या थी सीएमए कोर्स के ड्यूरेशन में, जिसकी वजह से आपने वन वन शॉट में अपने बोथ रूप आपने क्लियर किया? तो पहला तो था कि आप अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लो और आपको पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. ये आपको अपने आप ही पता करना पड़ेगा कि क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है. लाइक फॉर बोथ ग्रुप्स आई एम टेलिंग कि बोथ ग्रुप्स में आपके पास एक बहुत प्लान, प्री प्लान सब कुछ होना चाहिए कि मैं ये पढ़ूंगी. आई एम नॉट टेलिंग कि कुछ छोड़ दो, बट हाँ कुछ की एरियाज हैं जो आपको पता है कि वो आएंगे ही आएंगे हर बार एग्जाम में, तो आप उसपे ज्यादा फोकस करो. ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करो. मैं तो सबको बोलती हूँ कि टेस्ट सीरीज में एनरोल करो ताकि आप अपने आप को प्री इवेलुएट कर पाओ कि मैं कहाँ गलत हूँ. मोर ओवर आप पास्ट ईयर PYQs आर लाइक हमारे लिए गीता है, वही उसी से क्वेश्चन आता है, बट हमने ही उसको रेफर करते हैं. वो हमारी गलती है, हम कहते हैं कि कुछ नया आ गया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है. PYQs रेफर करो हर बार के लिए एंड जॉट डाउन द पॉइंट्स. मतलब आपको जो भी PYQ में लग रहा है कि एक नया क्वेश्चन आया है तो उसको अच्छे से लिख लो एक जगह कि हाँ ये है. और मैं ये करती थी कि मेरा अगर कुछ भी गलत हो रहा है टेस्ट सीरीज में या मेरा जो भी टेस्ट हो रहा है तो मैं वो पॉइंट लिखती जाती थी कि मैंने ये गलत किया. तो एट द एंड जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मुझे पता है कि मैं गलत करके आई थी, अभी मुझे फिर देखना है उसे एक दिन के या आधे दिन के पीरियड में. और ऑफ कोर्स आपको नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोट्स बनाइए, कलरफुल नोट्स बनाइए ताकि आप अट्रैक्शन के साथ उसको रिटेन कर पाए, पढ़ भी पाए. ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि या कलरफुल कंटेंट रहना मैं भी चाहिए. अपने नोट्स में दो तीन पेन यूज करता था, रेड ब्लैक ब्लू,
तीन कलर मैं जनरली यूज करता था, तो अच्छा लगता है, लाइक नोट्स इंगेजिंग हो जाते हैं, पढ़ने का भी मन करता है। जितने नीट एंड क्लीन आपके नोटबुक्स होंगे उतना इंटरेस्ट ज्यादा होता है। एक और पॉइंट ऐड करूंगी, क्योंकि बोथ ग्रुप्स में 8 डेज पेपर होते हैं, तो हर मतलब जब भी आपका वो 8 डेज का पेपर है, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक पेपर में पूरा समराइजेशन होना चाहिए, लाइक फॉर एवरी सब्जेक्ट। वो आप ये मत करो कि हम पूरी बुक उसी दिन बैठ के देखेंगे, वो तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सोना भी है 1 घंटा, आपको पढ़ना भी है, सब कुछ रिवाइज भी करना है, एंड इवन सेंटर पे भी पहुंचना है। तो आप सब लेके सारे आप प्रोविजनिंग करके चलो कि हाँ मेरे पास सब कुछ है। ओके ग्रेट। अच्छा लाइक बोथ ग्रुप जब आप पेपर देने जाते हो, इन दैट केस आपके पास गैप नहीं होता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, मैक्सिमम 8 आवर्स से ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता रिवाइज करने के लिए। तो उस 8 आवर्स में क्या टॉपिक्स और किस तरीके से स्टूडेंट को प्लान करना चाहिए वन डे बिफोर एग्जाम? तो मैंने ऐसा किया था, जैसे मैं तो जितने भी PYQs लगाए उसके बाद सारे जॉट डाउन कर लिए कि हाँ ये चैप्टर या ये क्वेश्चन आया है। इवन मैंने तो किया था, जिस भी फैकल्टी का मैंने क्वेश्चन बुक रेफर किया था या क्वेश्चन बैंक रेफर किया था, मैंने उसमें ही लिख दिया था कि हाँ मुझे लास्ट डे ये क्वेश्चन नंबर देखना है फिर से, और इसमें मैंने गलत किया था। तो उससे ये होता है कि आपका काम थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, और आपको हर क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि आप इतनी मोटी बुक्स नहीं एनालाइज करके जा पाओगे, इतने पूरा वास्ट रहता है सिलेबस इतना ज्यादा, कहीं कहीं कुछ कुछ छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है तो वो छोड़ के भी जाना पड़ेगा। बस ये है कि आप 1 हफ्ते पहले अपना पूरा रिविजन मतलब मल्टीपल 3 टाइम्स तो एटलीस्ट कर लो कि आपको रिटेन रहे वहां जाने पे, क्योंकि 8 डेज में ये होता है ना, रेगुलर पेपर है हमारे, तो हम कुछ कुछ चीजें स्किप करते चले जाते हैं। फर्स्ट में तो याद है, सेकेंड थर्ड तक फिर आप वैनिश होता जाएगा आपका कॉन्टेंट धीमे धीमे। राइट राइट राइट। सो अच्छा, आपने CMA कोर्स कैसे ज्वाइन किया था? लाइक आपको कैसे पता चला CMA कोर्स के बारे में? तो जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में थी, तो हम लोगों के यहाँ एक ऐसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, CMA इंस्टीट्यूट ने कराया था, तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं वहां गई, मैंने पूछा, और फिर पता चला कि ये एग्जैक्टली ICWA था, जिसको अभी फिर से अब हम CMA कहते हैं। तो वहां पे उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, और उन्होंने बोला एडमिट हो जाइए आप, ये बहुत अच्छा कोर्स है। एंड मतलब वहां पे उन्होंने प्लेसमेंट एवेन्यूज और कहाँ कहाँ हम लोग अभी जॉब कर सकते हैं वो सब पूरा एलैबोरेट किया था। तो वो सेशन लेकर फिर मैंने अपने आप को एनरोल कराया, क्योंकि मुझे लगा कि क्यों सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहिए। तो मेरे लिए वो था कि मैं नया करूंगी कुछ, तो उस हिसाब से मैंने एनरोल करा लिया अपने आप को। सो आज जब आप CMA बन चुके हो, आपको अच्छा लग रहा है कि आपने सही डिसीजन लिया था? ये सब बहुत फ्रूटफुल और बहुत अच्छा डिसीजन था, और इम्पैक्टफुल भी है, क्योंकि अब लाइक एज फर्टर्निटी मैं भी लोगों को थोड़ा बता सकती हूँ कि CMA है क्या, बिकॉज लोगों को नहीं पता। जनरल पब्लिक को अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं ना, तो उनको पता होता है कि हाँ ये है, बट हमारे कोर्स के लिए अवेयरनेस नहीं है, जो बहुत लाइक रिक्वायर्ड है अभी एट लार्ज लेवल। दैट्स राइट, वेरी करेक्ट। सो आप डेफिनेटली अब आप CMA इंस्टीट्यूट के एक एम्बेसडर हो, अब आपका भी ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको बताओ लोगों को। एंड डेफिनेटली जैसे होता है ना, आपने कंप्लीट किया, अब आप लाइफ में आगे अचीवमेंट्स लोगे, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में लोग देखेंगे और लोग करेंगे इस कोर्स को, ऐसे ही होता है। ओके, सो एट द एंड कोई सजेशन, कोई टिप्स फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, कुछ चीज़ें जो अपने जर्नी से? सजेशन एंड टिप्स में यही है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप जब भी बोथ ग्रुप्स या सिंगल ग्रुप्स आप अपने हिसाब से जो भी चूज कर रहे हो, मेक श्योर करो बहुत बर्डन नहीं लो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका हेल्थ इंपैक्ट करता है। बहुत बर्डन लेने से बहुत सारी चीजें हेवाय होने लगती है, तो बेटर है बर्डन कम ले, स्ट्रेस कम ले, सब कुछ हो जाता है इजी इजी। बहुत स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, दैट आई रियलाइज मेरी जर्नी से। मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, बट लाइक अभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अब सिलेक्शन हो गया ऑफ कोर्स। बट यही एक टिप है कि बहुत स्ट्रेस आउट नहीं हो, ये बहुत टायरिंग और बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर है। ऑफ कोर्स कोई दो ग्रुप दे रहा है, एक ग्रुप दे रहा है, अटेम्प्ट लग रहा है आप, बट वो फेथ रखो कि हो जाएगा, एंड एट लास्ट आपको शायद प्लेसमेंट भी मिल जाए। बहुत अच्छा अच्छा प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं, फिफ्थ अटेम्प्ट को भी मिला है हमारे साथ मुंबई कैंपस में। सो आई रियलाइज ये बहुत अच्छी चीज है, बस आप मेहनत करते जाओ थोड़ा थोड़ा। इवन आपने अपने ग्रुप में देखा होगा, अभी कितने सारे बच्चे, मोर देन 80+ स्टूडेंट्स को जॉब मिल चुकी है,
और ये उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स थे जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे ऑलरेडी, तो जॉब्स मिलता है। अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, कि लाइक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर लाइक CMA कोर्स इज सेफ फॉर गर्ल्स और नॉट, कि उन्हें कुछ मिसगाइड कर दिया जाता है कि CMA का रोल सिर्फ फैक्ट्री में होता है तो गर्ल्स के लिए कोर्स अच्छा नहीं है। तो लाइक आपको ये कोर्स लगता है कि गर्ल्स के लिए सेफ है? तो मुझे तो लगता है गर्ल्स के लिए सेफ है ऑफ कोर्स. लाइक मैं अभी एकदम, मैं अपना ही बता रही हूँ, मैं मेल डोमिनेटेड मेरी कंपनी है पूरी. दे आर एम्प्लॉइंग फीमेल्स जस्ट टू इंश्योर कि रेशियो प्रोपोर्शनेट रहे. बट मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और बहुत रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि हम लोग भी गए तो हमें इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है एज फाइनेंस प्रोफेशनल, जस्ट द वे CA को मिलता है वैसे ही हमें भी मिल रहा है. एंड बहुत सेफ एनवायरमेंट है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक मुझे तो एज सच नहीं लगा. किसी को भी नहीं लगेगा. कॉर्पोरेट कल्चर इज ऑलवेज गुड. लाइक अगर आप उसमें अच्छे से रह जाओ तो. लाइक मुझे नहीं CMA प्रोफेशनल तो नहीं लगा. और फैक्ट्रीज का अगर मैं बताऊं तो प्रोजेक्ट साइट पे जैसे हमारे यहाँ भी प्रोजेक्ट साइट्स हैं, तो उसपे हमारा इंटेलिजेंस थोड़ा कम रहता है. एंड इवन इफ वी गो, पूरा प्रोटेक्शन हमारे साथ पूरा जाता है, हम तो बहुत सेफ है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है. मैंने बस इसलिए पूछा बिकॉज मैं खुद से हमेशा बोलता हूँ, लेकिन ये होता है ना कि अब मैंने आपसे पूछा और आप बता रहे हो, तो शायद लोगों को जल्दी और ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स को ट्रस्ट हो इस कोर्स के बारे में। एक्चुअली मार्केट में कुछ कम्युनिटी है जो मिसगाइड कर देते हैं, तो इसलिए चीज़ें प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है CMA कोर्स के लिए। थैंक्स आपने बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू. इट्स बीन एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल. आपकी मतलब आपकी हेल्प की वजह से आई एम बैठे, एंड आई वुड बी वेरी थैंकफुल. मतलब मैं जितना भी थैंक्स करूँ दैट्स नॉट एनफ. सो लाइक आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड एक्सटेंड ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे इतना गाइड किया. ऑफ कोर्स दैट्स बीन अ पार्ट ऑफ माई वेलकम, जर्नी. ऑफ कोर्स एंड हुई आपके साथ ही, एंड इट्स बीन वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. ओके, नो इशू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर फ्यूचर में भी आपको कभी भी लगता है कि आप कुछ इशू है, आपको कुछ डायलेमा है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन ईजली कनेक्ट विथ मी एंड वी कैन डिस्कस इट। ओके, सो लाइक मैं अपने हर एक स्टूडेंट के साथ एक पर्सनल कनेक्टेड रहता हूँ, बिकॉज लाइक अभी आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्टार्ट हुई है, बहुत सारी चीज़ें होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो अगर कुछ भी आपको कभी भी लगे यू कैन पिंग मी। ओके, ओके सर, ऑल द ओके. बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।